सरकारी स्कूल अतितमंड ब्यावर के प्रिंसिपल ने स्वेच्छा से बंद करवाया पोषाहार। शिकायतकर्ता डॉक्टर संत कुमार जन सुनवाई में लाए मामला। कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए किया आश्वस्त। कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई जन सुनवाई में आज ब्यावर निवासी डॉक्टर संत कुमार ने अपनी शिकायत कलेक्टर के सामने रखी। शिकायतकर्ता डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि अतीत मठ ब्यावर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विमला चौहान ने अपनी मन मर्जी से स्कूल में पोषाहार बंद करवा दिया। इनका यह भी कहना है कि जो कारण प्रधानाचार्य ने बताया उन्हें बड़े अधिकारी ने नकारा है। कलेक्टर आरती डोगरा ने इस मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतीतमंड ब्यावर के प्रिंसिपल ने बिना उच्च अधिकारियों की परमिशन के अपनी स्वयं मर्जी से 10 दिन तक सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चों को भूखा रखा और उनको पोषाहार नहीं खिलाया। इसकी शिकायत मैंने जिला कलेक्टर महोदय को की और आज जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई के अंदर मैंने अपनी दलील रखी कि जो कारण जाँच के द्वारा प्रिंसिपल ने बताए हैं कि किन किन कारणों से पोषाहार नहीं पकाया गया, वो सारे कारण मैंने उच्च अधिकारियों से पूछे तो उन्होंने सारे कारणों को नकार दिया और कहा कि पोषाहार तो एनी हाउ में पकना चाहिए। और जो भी जांच हुई है उस जांच अधिकारी और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग मिलकर प्रधानाचार्य को प्रिंसिपल को बचाने में लगे हुए हैं और मैंने इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से की तो कलेक्टर साहब ने माना है कि उसने गलती की है और वो स्वयं निर्णय कैसे ले सकती है इसके ऊपर कार्रवाई करके और अवगत करवाएं। डॉक्टर संत कुमार शिकायतकर्ता प्रिंसिपल है विमला चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर अतीत मंडी। आपका नाम बताओ। डॉक्टर संत कुमार शिकायतकर्ता।